नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के मॉर्निंग बुलेटिन गुड मॉर्निंग जी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हरीना कौरव। गुड मॉर्निंग जी में सबसे पहले नजर डालेंगे उन खबरों पर जो आज दिन भर सुर्खियों में रहेंगी, साथ ही अब तक की कुछ खबरों को विस्तार से जानेंगे। प्रदेश की 25 अहम खबरें फटाफट अंदाज में आपके काम की और अच्छी खबर से भी आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन खबरों से जिन पर आज दिन भर रहेगी नजर। पहली खबर का रुख करते हैं, पंजाब से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि आज चंडीगढ़ में पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। आज की बैठक में अस्थाई कर्मचारियों पर सरकार जो है वो फैसला ले सकती है, और इसी के साथ साथ आज की बैठक में अस्थाई कर्मचारियों को पक्का भी कर सकती है सरकार। तो अस्थाई कर्मचारियों को लेकर क्या कुछ रुख रहेगा सरकार का, ये जी पंजाब आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं, मेगा फूड पार्क की बात हो रही है। लुधियाना में मेगा फूड पार्क का नींव का पत्थर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल नींव का पत्थर रखेंगे, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल भी इसमें मौजूद रहेंगी। साथ ही लाडोवाल में 200 एकड़ जमीन पर ये जो फूड पार्क है वो तैयार होगा और 118 करोड़ की लागत से तैयार होगा, पंजाब का दूसरा मल्टी प्रोडक्ट मेगा फूड पार्क। अगली खबर का रुख करते हैं, अगली खबर की बात की जाए तो आज यूएन आम सभा को संबोधित करेंगी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। कश्मीर पर नवाज शरीफ के झूठ को वो बेनकाब करेंगी और आतंकी बुरहान को कश्मीर का नेता बताने के शरीफ के दावे की भी पोल खोल सकती हैं सुषमा स्वराज। इसके साथ साथ भारत पाकिस्तान के बीच 56 साल पुराने सिंधु जल समझौते को लेकर आज अहम बैठक है, और इस बैठक के संबंधित पक्षों के साथ प्रधानमंत्री मोदी जो है वो बैठक करने वाले हैं और अहम फैसला इसमें लिया जा सकता है। चलिए गुड मॉर्निंग जी में अब तक की कुछ खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। आम आदमी पार्टी से सस्पेंड पटियाला से सांसद धर्मवीर गांधी ने पंजाब में नई पार्टी की सुगबुगाहट को तेज कर दिया है। रविवार को उन्होंने अलग अलग गुटों के नेताओं के साथ मुलाकात की और पंजाब में नई क्षेत्रीय पार्टी के लिए ड्राफ्ट तैयार कर जल्द ही इसका ऐलान किए जाने की बात कही। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पंजाब को एक नई और मजबूत क्षेत्रीय पार्टी की जरूरत है। पंजाब में नई क्षत्रिय पार्टी बनाने की सरगर्मी तेज हो गई है। चंडीगढ़ में पॉलिटिकल राउंड टेबल मीटिंग में चर्चा के दौरान धर्मवीर गांधी ने एक बार फिर कहा कि पंजाब को बचाने के लिए ये समय की जरूरत है। गांधी ने इस दौरान जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास कार्यक्रम डायरेक्ट विद दिनेश में दिए गए अपने इंटरव्यू का भी हवाला दिया। On one interview with Dinesh, direct with Dinesh, with GTV, that just sent us a small message to people that Punjab needs a political outfit. धर्मवीर गांधी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए आम आदमी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली से चलने वाली पार्टियां पंजाब के हित में फैसले नहीं ले सकती। धर्मवीर ने पानी के मुद्दे पर भी आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया। कुदरती स्रोत है जो पंजाब का साधन सेगा पानी साड़ी संपदा उसकी जी बेकुर लुट की गई है और जिन्हिया पार्टियां केंद्र हूं तक राज किया जिनका राज पंजाब भी रहा तो उन्होंने साढ़े पंजाब के नाल बहुत धक्का किया है। पंजाब में श्रोमणी अकाली दल बीजेपी और कांग्रेस के अलावा विधानसभा चुनाव से पहले कई नए सियासी फ्रंट बन रहे हैं जिनके अलग अलग मुद्दे और अपनी अलग विचारधाराएं भी हैं। ऐसे में नई क्षत्रिय पार्टी का मुद्दा पंजाब की सियासत में कितना असर डाल पाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़।